कौन भांति रही है बिरदु अब देखि बी मुरारी बीधे मोसो आई के गीधे गीध हिमारी। कौन भांति अर्थात किस प्रकार, तो प्रस्तुत दोहा कविवर बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है या अवतरित है। तो बिहारी कहते हैं कौन भांति, ये भी एक भक्ति का दोहा है। कैसा भक्ति का दोहा, बिहारी ने भक्ति नीति और श्रृंगार तीन प्रकार के दोहे लिखे हैं, तो ये भक्ति का दोहा है। मुरारी अर्थात भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, बिहारी कृष्ण भक्त कवियों में आते हैं, ब्रजभाषा इनकी भाषा है, आलंकारिक वर्णन बहुत इन्होंने किया है। तो इसमें अगर देखा जाए तो शांत रस होगा या फिर भगवत विषयक रति हो जाएगी। तो कौन भांति रही है बिरदु, बिरदु का अर्थ है प्रशंसा, प्रसिद्धि या बड़ाई। ठीक, तो बिरद का अर्थ क्या है, प्रशंसा प्रसिद्धि या बड़ाई। अब देखी भी, अब मैं देखूंगा, देखी भी माने देखूंगा, बीधे मोसो आई के, बीधे माने उलझे हो या मुझसे भिड़े हो, बीधे मोसो आई के, अरे भगवान श्री कृष्ण तुम मुझसे आकर के भिड़े हो, गीधे गीधही माँ तारी, तुमने तो गिद्धों को तार करके अपनी बड़ाई सिद्ध कर ली, लेकिन मैं तो गिद्ध तो एक तुच्छ प्राणी है, परंतु उसको भी तारना सरल है। कैसे लिखेंगे, गिद्ध एक तुच्छ प्राणी है, परंतु उसको तारना सरल है, परंतु मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। यहाँ पर भक्त जो है स्वयं को पापी बता रहा, कहता मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मुझे तार करके दिखाओ तो मैं जानूँ अब तुम किसी अच्छे पापी से उलझे हो। कि कौन भांतम, मैं देखता हूँ तुम्हारी प्रसिद्धि कैसे रहती है। देख भी मुरारी, हे भगवान श्री कृष्ण मैं अब देखूँगा कि तुम्हारी प्रसिद्धि कैसे रहती है। तुम तो गिद्धों को तार करके बहुत बड़ाई पा गए हो, मैं देखूँगा तुम्हारी बड़ाई कैसे रहती है, तुम मुझसे आकर के उलझे हो। यहाँ पर भक्त ये कहना चाहता है कि मुझ जैसे पापी से, अर्थात मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, इसलिए गिद्ध तो खैर उसको तारना आपको सरल था क्योंकि उसने पाप नहीं किया था जटायु ने, उसने पुण्य का काम किया था, लेकिन अब अगर मुझको मोक्ष प्राप्त करवा दो तो मैं समझ लूँगा कि तुम्हारा बड़प्पन है। कहत नटत वाला तो दोहा बहुत बार पढ़ा है, कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनन ही सब बात। तो नायक और नायिका दो लोग हैं, दोनों की आपस में इशारों में बात हो रही है, संकेतों के माध्यम से, यानी कि अंग प्रचालन के माध्यम से, अंग संचालन के माध्यम से, इंगितों से बात हो रही, इशारों से। तो नायक कुछ कहता है, कहत नायक कुछ कहता है, तो नायिका नटत अर्थात मना कर देती है, नटत माने मना कर देती है। फिर नायक कुछ रीझ जाता है तो नायिका और खीझ उठती है, तो वो खीझ उठती है। जब वो रीझ उठता है नायक, तो नायिका खीझ उठती, खीझ मतलब झल्लाना, झल्ला उठती। फिर थोड़ी देर में उनके नेत्र मिलते हैं, खिलत अर्थात दोनों प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर नायिका लजा जाती है, दोनों के नेत्र मिलते हैं और दोनों प्रसन्न हो जाते हैं और नायिका शर्मा जाती है। इस प्रकार से पूरे भरे भवन अर्थात भरी सभा में नेत्रों से ही बात कर रहे हैं, नेत्रों से ही बात कर रहे हैं, यानी नायक कुछ कहता है, नटत नायिका मना कर देती है, नायक उस पर रीझ जाता है,
तो नायिका खीज उठती है, यानी कि झल्ला उठती है। फिर दोनों के नेत्र मिलते हैं, दोनों खिलत अर्थात प्रसन्न हो उठते हैं और थोड़ी देर में नायिका लजा जाती है। इस प्रकार की क्रियाकलाप से संपूर्ण भरी सभा में नेत्रों के ही माध्यम से नायक और नायिका बात करते हैं। काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखें? काव्यगत सौंदर्य में भाषा ब्रज है, रस श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार, रस संयोग श्रृंगार है, छंद दोहा है, अलंकार, कहत नटत रीझत में खिझत में मिलत में अंत में ताता की आवृत्ति हुई, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। अंत्यानुप्रास कहा जाएगा इसको, अंत्यानुप्रास अलंकार है। भाषा तो ब्रज है ही। शब्द शक्ति अभिधा है, शब्द शक्ति अभिधा है और गुण प्रसाद व माधुर्य दो हैं। पाई महावरुदैन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीरती जाए। एक बार की बात है, एक नायिका को पाई माने पैरों में, एक नायिका के पैरों में, महावर का अर्थ जानते हो? रंग होता है जो एड़ियों में लगाया जाता है। तो पैरों में रंग लगाने के लिए अर्थात महावर दैन को मतलब लगाने के लिए नाइन माने नाइन अर्थात जो नाई होता है उसकी पत्नी, वाइफ ऑफ नाई की पत्नी नाइन बैठी आए, आकर के बैठी। पैरों में रंग लगाने के लिए नाइन आकर के बैठी। फिर जानी महावरी एड़ी मीणत जाए, मीणत मतलब बार बार एड़ियों में रंग रगड़ती जाती है, लेकिन उस नायिका की एड़ियां इतनी लाल हैं कि ये पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ रंग लगा है कहाँ नहीं लगा है। तो बार बार उन्हीं एड़ियों पे मीणती है अर्थात उन्हीं एड़ियों पे उंगलियां लगाती जाती है, रंग लगाती जाती है, बार बार मेहनत करनी पड़ती। वो समझ नहीं पा रही है कि एड़ियों में रंग लगा है नहीं लगा है। यहां पे भ्रांतिमान अलंकार है। हाँ, उसको भ्रम उत्पन्न नहीं, भ्रांतिमान नहीं हो, यहां पे संदेह अलंकार होगा। संदेह क्योंकि उसको शंका हो रही है, उसको ये संदेह वो पक्का नहीं कर पा रही, रंग लगा है या एड़ियां हैं, एड़ियों का रंग है या ओरिजिनल रंग है, इसलिए यहां पे संदेह हो गया उसको। उसको संदेह हो गया कि एड़ियों में रंग लगा ही नहीं है, रंग लग चुका है फिर भी उस पर रंग लगा रही है। वो समझ नहीं पा रही है एड़ियाँ लाल हैं कि रंग से की वजह से लाल हुई। तो वो बार बार जो है उसी पे रंग को लगाती जाती है जहाँ पे रंग लगा है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा है क्या है। नेहु नयनन को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रति रहें तऊ न प्यास बुझाए। नेहु माने प्रेम, नेह माने प्रेम, ना माने नहीं, नयनन माने नेत्रों में, नेत्रों को कुछ प्रेम नहीं है, नेत्रों में प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ। नेहु नयनन को कछु, नेत्रों में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ। उपजी बड़ी बलाय, बलाय माने बलाई का क्या अर्थ है? व्याधि, बहुत बड़ी व्याधि उत्पन्न हो गई है। नेत्रों में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, बहुत बड़ी नेत्रों में व्याधि उत्पन्न हो गई है। ये नित प्रति अर्थात डेली, नित प्रति माने डेली पर डे प्रतिदिन, नीर भरे आंखों में जल भरे लिए रहते हैं फिर भी इनकी प्यास नहीं बुझती है। वो क्या कह रहा है नायिका?
नायिका कह रही कि नेह उन नयनन को कछु उपजी बड़ी बलाए। इन नेत्रों में नेह उत्पन्न नहीं हुआ, प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि एक बला उत्पन्न हो गई है, एक व्याधि उत्पन्न हो गई है। प्रतिदिन ये नीर से भरे रहते हैं, जल से भरे रहते हैं, फिर भी इनकी प्यास नहीं बुझती है। ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, जल भरा है और प्यास नहीं बुझ रही है। या के उर और कछु लगी बिरह की लाए, पजरे नीर गुलाब के पिए की बात बुझाए। या के उर, या के माने इस नायिका के, उर माने हृदय में, और कछु कुछ और ही प्रकार की, बिरह की लाय, लाय माने अग्नि आग, इस नायिका के हृदय में कुछ और ही प्रकार की आग लगी है, विरह की कुछ और ही प्रकार की आग लगी है। पजरे नीर गुलाब के, गुलाब का नीर अर्थात गुलाब जल, रोज वाटर, गुलाब जल पजरे और जलने लगती है, गुलाब जल छिड़कने से और जलने लगती है। परंतु पिय की बात बुझाए, परंतु जब पिया उससे प्रियतम बात करता है तब यह शांत हो जाती है, ठीक है। पिए की बात बुझाए, बात का मतलब है वार्तालाप से, लेकिन जब प्रियतम उसका वार्तालाप उससे कर लेता है तो उसकी अग्नि शांत हो जाती है, ठीक है। कि इस नायिका के हृदय में कुछ विरह की अग्नि और ही प्रकार की लगी है, क्योंकि इसकी अग्नि ऐसी है कि अगर गुलाब जल छिड़क दो तो और भड़क उठती है। पेट्रोल का काम गुलाब जल यहाँ कर रहा है। पिए की बात बुझाए, लेकिन जब प्रियतम बात कर लेता है तो शांत हो जाती है। समझ में नहीं आ रहा।